मेरी जान मैं तुझको कि मेरी जान मैं तुझको सोने से सजाऊंगा, मेरी जान मैं तुझको लंबरदार थोड़ा प्यार कायदे करो, तुम नसीहा नहीं होगा। पार्टी कोर्ट हार्दिक स्वागत है। मेरी जान मैं तुझको सोने से सजाऊंगा कि दरवाजा खुला रखना, खुला रखना हम रातों हेलो चंद्रभान चंद्रभान ग्यारह निवासी उनकी तरफ से 10 रुपया। चंद्रभान का कहना है, ठाकुर साहब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब मरे मरे की तैयारी करो। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। उम्र कितनी? उम्र इधर इधर है। उम्र कितनी है? उम्र तुम्हारी खत्म। चंद्रभान की उम्र कितनी है बता। चंद्रभान के सामने खड़े हैं, ले जनता लाठी है। ओ देखो और कहां है? ओ देखो बच्चे को लेकर खड़े हैं। ये है वो साधु है हमारे चंद्रभान। हेलो सारे हुए गहने के छिलके 2500 जूतियां मारूंगे सर पे, सारे बाल निकल जाएंगे। हमरी हवेली में आकर हमेशा उल्टी सीधी बात सुन, मेरी बात को सुन ले हमारी बात। ये हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई, ये 20 रुपया हमारे राम निहोर के लिए हाथों हाथ स्पेशल है। उनका कहना है जो लेना है मरे के पहले ले लियो, नहीं पैसा को ले। कि क्या खूब लगती है, कि क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है, क्या खूब बड़ी सुंदर दिखती है। काव्या छोटी सी बिटिया इसी गांव के निवासी 10 रुपया इनाम आ रहा है। उनका काव्या का कहना है, ठाकुर साहब अब कोर्रा खा के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। 17 लाख का क्या बे? कौन कहता है? तू कहता है भौसड़ी के उल्टी बात नहीं करना सारे जूतों से मारूंगा। अरे अब का मरिया मरे मरिया, ये 10 रुपया आपके लिए है। बड़ी गौर हार्दिक स्वागत है। सुन मेरी बात को सुना, कुत्ता मेरी हवेली में मेरी बात नहीं मानेगी। नहीं मानेगी कभी नहीं कभी नहीं कभी। बात हम तुझे मनवाऊंगा, इसलिए तुझसे कहना है मेरी बात। क्या रहना है तो सीधे साधे कर नहीं भाई करेगी।
नहीं, अरे करेगी मुझसे प्यार, अरे शबरन तेरे साथ में ही। भाई लो तू इससे कल दूर हट के पास ही सर छोड़, इससे चल दूर हट के पास ही शैतान, वरना इस बंदूक से संभाल कर बात कर ओ पाजी से। क्या मुँह संभाल कर बात कर ओ पाजी शैतान, अरे चल यहाँ से तू चला वो न जाए खड़ी है सामने जरा मुझे पहचान, अब तो तू है जाएगा सुन सीधे हेलो श्रीमान गंगा प्रसाद छोटा सा बच्चा इसी गांव निवासी 50 किलो 10 रुपया उनका कहना ठाकुर साहब अब तुम्हार काल रक्षा रहा है। ठाकुर मौत तेरे खड़ी सामने तू मुझे पहचान, पहचान तेरी मौत का तेरे सामने खड़ी हो गई ठाकुर, आज मैं तुझसे चुन चुन के बदले लूंगा। राम भरा छत्तीसगढ़ के उनकी तरफ से 11 रुपया इनाम और पार्टी को हार्दिक स्वागत है। बलकरन बहुत अच्छा किया जो तेरी आंखें धोखा नहीं खाई। बलकरन तू जिंदा, दुनिया हमें हंगामा के नाम से जानती है, जिंदा तूने पहचान कर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मरने वाले को पता होना चाहिए कि उसकी मौत का पैगाम लेकर कौन आया है। आर्यन आर्यन इसी गांव के निवासी 10 रुपया इनाम और उनका कहना हंगामा, पहले इनके कपड़ा उतारो पोजीशन डाउन करो। ठाकुर बाप का बाप निकला रे तू, हमारे परिवार को दबा करके तुझे चैन नहीं मिला और आज हमारे घर की इज्जत को ही खरीद कर उसकी धज्जियां उड़ाना चाहता था। घर की इज्जत आशा छोटा सा बच्चा गंगा प्रसाद इसी गांव के निवासी उनकी तरफ से 21 रुपया। गंगा प्रसाद बच्चे का कहना है कि हंगामा सिंह पहले इनके पूरे कपड़ा उतारो तेल के मारो। तेरी घर की इज्जत राम चादे, अरे मैं इसको मोहनी भाई के कोठे से लाया हूँ, तेरी वजह से हमारी बेटी हमारा हमारा अपना खून दबाए के कोठे पर चला गया। ठाकुर बहुत रुलाया है तूने मुझे, बहुत रुलाया है, परिवार को हमारे तिनके की तरह बिखेर दिया तूने, कहीं का नहीं छोड़ा ठाकुर, कहीं का नहीं छोड़ा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ठाकुर। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ए का है ठाकुर? बच्चों निकालो चप्पल जूते, सर पे मारने को शुरू को साले। हराम चादे जिस जनता को आज तक कुछ नहीं समझा तूने, उसी जनता से शरण लेने गया है कुत्ते।
एक दरिंदे के बदन के सारे कपड़े उतार लो, उतार लो। रुको जाए कहीं नहीं जायो ना, हम जायो ना, जायो ना। कपड़े उतार कलवा, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि दोबारा कोई तुझ जैसा दरिंदा धरती पर पैदा नहीं होगा, नहीं होगा। इसे हमारा बाप उतारने आएगा। यार मेरा दोस्त दोस्त रामवरण भाई छत्तीसगढ़ के निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपया उनका कहना है। कपड़ा उतार के इनके पेल के मारो। और हमारे गंगा प्रसाद छोटा सा बच्चा इसी गांव के निवासी, उनकी तरफ से 21 रुपया उनका कहना है। ऐसे ठाकुर कतना मारो कि साले की डिलीवरी हुई है। ठाकुर हम ऐसी बकवास पसंद नहीं किया करते। कपड़े उतारे और हम चाहते बाप का बाप निकला तुम्हे। ये हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई की तरफ से शौकीन ओर से 20 रुपया उनका कहना है। हंगामा सिंह इतना इतना मारो कि दोबारा जन्म लेने से इनकार करे। अरे तूने मुझे पल बाद किया है, तूने मुझे पल बाद किया है, और किसे पर बात करे। Yeah.
गया। और गोलू भाई का कहना है हंगामा सिंह इनका अतना मारो, अतना मारो कि साला मूत मूती मारे। और हमारे हमारे भाई मेला कमेटी चंद्रेश भाई और बबलू भाई उनकी तरफ से 20 रुपया। चंद्रेश हमारे बबलू भाई का कहना है भाई जितने लोग खड़े बैठ जाएं और गांव वाले और कमेटी साथ में हिसाब देख के जाएं और आने वाली नवरात में नव दुर्गा जागरण यानी मूर्त बैठाई जाएगी। सभी भाइयों से गुजारिश है पाली गौर हार्दिक स्वागत है। छीन लिया तब संतलत मेरी हौसला भाई ये 50 की नोट से 20 रुपया हमारे ठाकुर साहब के लिए दवाई के लिए दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर कपड़ा इनके उतार दियो तो 20 रुपया और ले हो। ठाकुर कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? 70 दियो कम से कम। एक ठाकुर उस दिन तो बहुत उछल उछल कर बातें कर रहा था, बहुत उछलता था ठाकुर। आज कहां गई तेरी हस्ती, कहां गई? राम मनोहर मेला कमेटी की तरफ से 50 रुपया। और मेला कमेटी का कहना है हंगामा सिंह एक साड़ी पहनाओ तो 50 रुपया दीन जाए, नहीं तो फिर कंपनी के जाइए। ठाकुर ये भी एक ठाकुर का खून है, हम अपनी बिरादर को काली नहीं देंगे। लेकिन आज एक शेर को गीदल की तरह देखकर हंसी आती है। हमारे पूरे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई उनकी तरफ से 20 रुपया। हौसला का कहना हंगामा सिंह एक एक कपड़ा उतारो जहाँ 400 रुपया और लियो। अरे तेरी कहाँ गई वो स्थान, काहे मांगे जीवन दान, तेरी कहाँ गई? तेरी कहाँ गई वो दान, काहे मांगे जीवन दान, तेरी कहाँ गई वो दान, काहे उनकी तरफ से 21 रुपया। उनका कहना है एका बहुत मारो कपड़ा उतार के मारो। बाजी बोल बोल बोल, बाजी बोल बोल बोल, तेरी कहाँ गई वो तान, काहे मांगे जीवन तान। हेलो हमारे पुराने मेला कमेटी के अध्यक्ष हौसला भाई ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। हौसला भाई का कहना है हंगामा सिंह जाए अथा खाओ दारू हमते पी लियो, लेकिन एक सर एक कपड़ा उतर के पेल के मारो। आज बहुत हबी से तुझे संतुलत की ना, बहुत लालच से तुझे जमीन की, आज तेरी ही रियासत में तुझे 6 कदम से ज्यादा जमीन मैं नहीं दूंगा ठाकुर। कहाँ मिली हो? इसलिए
कि उस जगह पर तेरी लाश को दफन कर सके। जैसा मैंने कहा है मेरी बात सुन लेना। इस तरह की गलती तुम लोग कभी नहीं करना। कोई दोस्त हो उसके साथ गद्दारी नहीं करना, ये मेरी नसीहत है। नहीं, जैसा मेरा हाल हुआ है ना तुम लोगों का वैसा ही हाल। इसलिए चाहे किसी को दे दे, इसके लिए आज हमारी तरफ से सिर्फ 6 कदम जमीन मिलेगी। नहीं जमीन नहीं बबलू, कहीं ना कौनो ठाकुर मरी तो ले जा 12 मशीन पर सिरवा पार्टी निकल रही है। ठीक है, बनवा लेना बेटी। पापा, तू हमें जानती है? तो शायद हमें नहीं जानती। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो हमारा अपना खून है। मैंने तेरी माँ से वादा किया है कि मैं 24 घंटे के अंदर तुम्हारी बेटी से मिलवाऊंगा। वादा पूरा करना है। आओ हमारे साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखती होगी। इंस्पेक्टर, जब तक मैंने जो वादा किया है वो वादा पूरा नहीं होगा। कसम है भवानी माँ की, तुम्हारी सारी फोर्स भी लगकर हंगामा को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैंने एक माँ से वादा किया है कि उसकी बेटी से मिलवाना है। हंगामा सिंह, जानकी तू और यहां सभी, तू अपनी बेटी से मिलना चाहती थी ना? हाँ सभी। देख जानकी, देख यही ये तुम्हारी बेटी है जानकी, बेटी बेटी। इंस्पेक्टर, आज मैंने और हमारे बिखरे हुए परिवार को मिलता देखकर हम बहुत खुश हैं। आज तो मुझे गिरफ्तार नहीं, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा, फिर भी ये हंगामा उप तलक नहीं कहेगा। मैं एक बेटी को उसकी माँ से मिला दिया है। अब हमें शौक से हाथ में हथकड़ी डाल दो, कोई गिला नहीं है। चौकीदार, हंगामा सिंह को हथकड़ी पहना दो।
मुश्किल बेटा, इन्होंने रानी माँ गुनाह क्या किया है? रानी माँ इन्होंने गुनाह क्या क्या किया है इसका तो मजबूर मैं नहीं दे सकता, लेकिन कानून की नजर में गुनेगार है, क्योंकि अभी अभी शायद मेरे ही समक्ष मेरे पहुंचने के पहले इन्होंने ठाकुर की हत्या की है। हाँ, और इस सीतापुर जिले में इनका काफी आतंक फैला था और काफी कहर था इनका, इसलिए कानून की नजर में मुजरिम है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे इनका क्या संबंध है? नहीं जानते बेटा, यही मेरे पति बलकरण सिंह हैं। उस हरकरण सिंह की वजह से हम इधर उधर हो गए थे। हरकरण सिंह हमारी पूरी जायदाद हवेली सब कुछ लिखवा लिया और इन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। जब ये बर्दाश्त ना कर सके तो इन्होंने डाकू का भेस धारण किया। पुलिस वाले कभी किसी के नहीं होते हैं, इनके सामने तेरे आंसुओं की कीमत कुछ भी नहीं है। इस बच्चा तुम अपना काम करो। नहीं जानते, कोई और नहीं है, ये वही मुखिया का बेटा गोकुल है। गोकुल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे पति को बचा ले गोकुल, बचा ले। आपसे हमने कभी कहा था कि रानी माँ मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आज मुझे वो दिन याद है। रानी माँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कानून का पुजारी हूँ, कानूनी तौर पर मैं आपके पति को गिरफ्तार कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही कोई अच्छा वकील करके मैं इसे रुखसत करवा दूंगा। रानी माँ बेटा एक एहसान और कर दे। हाँ साहब, श्रीमान राम अवतार, राम अवतार मेला कमेटी, आपको हमारे बबलू मेला कमेटी वाले अवतार भैया आपको बुला रहे हैं, मंच पर मिलने का कष्ट करें। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। रानी माँ कौन से उपकार के बारे में बात करती हो आप? बेटा हाँ, एक उपकार कर दे कि हमारे पति को जेल हो जाएगी, इतनी जल्दी नहीं छूटेंगी। मेरी बेटी सयानी है, मेरी बेटी के साथ शादी कर लो बेटा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रानी माँ आप इसमें एहसान की बात करती हो, अरे आप तो मेरी माँ हो, मैंने माँ का दर्जा दिया है आपको। अगर आप कोई भी बात कहती हैं तो उसको मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा, आपकी जैसी इच्छा। स्वामी इन दोनों का हाथ मिला दो, यही हमारे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बेटे गोकुल, ठाकुर साहब बचपन से लेकर आज तक हमारी बेटी ने सिर्फ दुख सहे हैं, ना ही माँ की ममता ना ही बाप का प्यार पाई है। हाँ ठाकुर साहब, इसलिए हमारी ठाकुराइन का कहना है तुम्हारा हाथ अपनी बेटी का हाथ मिलवा दे। हाँ ठाकुर साहब, ये मंजूर है ना? हाँ ठाकुर साहब, मुझे मंजूर है। चलिए ठीक है। साथियों आज हमारी बेटी की शादी होगी, शादी करा दो। ठीक है, लड़का को दाहिने लाओ, लड़की को बाएं लाओ। अरे हौलियान तो आता है। राम करे गोकुल तुम्हारे बिया हो जाए, तुम्हारी मेहरिया हम का मिल जाए। काय है मारे तो? अरे राम करे तुम्हार बिया हो जाए, तुम्हार लगन हम का मिल जाए। खुशी रहो जजमान, आंखें तुम्हारी दूनो फूटे, गिर जाओ मुहके बल दादा पति सो फूटे। अरे बुढ़ापा पार हो जाए, बीच बेउधाम न पड़े। कर्पूर गौरम
सिरमिंटी मौरा अधर दी होई तब तो जुर गए फौरन। अरे शादी शादी नहीं, तीन एक का मसाला चला पक्की शादी। धन्य धन्य यह चमड़ा का थैली और जब तय डारा हुआ तय फैली। क्या बे कैसी बातें करता है? खबई है पियाई है तबे बिटीवा मोटाई और एक पेट काटे रही है तो कहाँ मोटाई। अच्छी बात है। ओम दोम संडे मार भी डंडे अब रात हो जावे करी सब काम सिद्ध हो जावे करी। बेटे हो तुम अंगाओ ना बेटे हो तुम झुझुलाओ ना बेटे हो जाने भले बाबा बेटे हो जाने भले बाबा। आए हुए पंडित गए मिठाई देवे करी हो मिले मिलाए पंडित गए पहले के लिए गए करी हो। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे कब के बिछड़े हुए हम आ जिका के मिले। जैसे मुझसे और तुझसे शादी तो हो गई लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। मेरा नाम नहीं जानती? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है चांद। चांद मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे चेहरा चेहरा क्या देखते हो और चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के